क्या भूत होते हैं? क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? आपको क्या लगता है कि भूत होते हैं? आपको लगता भी होगा, नहीं भी लगता होगा। आमतौर पर ज्यादातर लोग भूतों में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या सच में भूत होते हैं? क्या आत्माएं होती हैं? क्या घोस्ट हंटर्स, ओझा, तांत्रिक जो दावा करते हैं कि भूत होते हैं या फिर आत्माओं को वो पकड़ लेते हैं, क्या ये सच है? इस विषय पर वैज्ञानिकों का तार्किक जवाब क्या है, चलिए बताते हैं। चलिए भूतों से जुड़ी कई सारी सच्चाइयां आपको आज हम दिखाते हैं। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, उसके ऊपर का मामला है। चलिए बताते हैं आपको कि भूतों के भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का क्या तार्किक जवाब है। साल 2019 में एक पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों में भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वो वैम्पायर्स में भी विश्वास करते हैं। भूतों की कहानियां हर धर्म में होती हैं, साहित्य में भी दिखाई देती हैं। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभव को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बातें करने का दावा भी करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर इलेनोर सीडविक नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च काम किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होडनी एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरतगंज तरीके से इन्हें लेकर अजीब गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वॉस्कूल ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स, द हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थी। इस किताब में ये बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में ही भूत देखा या ये पैरानॉर्मल यानी परालैगिक प्रक्रिया हुई या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूत की इमेज से मिलती नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी है, डरावनी या शौक देने वाली है, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्ट डरने वाला भूत, रेसिड्यूल हॉन्टिंग्स अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स बुद्धिमान आत्माएं, और शेडो पीपल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी जिनकी कोई तय संख्या नहीं है। जिन लोगों की हत्या हो जाती है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती हैं, हत्यारे की पहचान करवाती हैं, लेकिन ये सच है या नहीं इस पर सवाल बने हुए हैं क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सके। ज्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं गया है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन सच तो ये नहीं है। घर की एलपीजी गैस में ज्यादातर नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं?
वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स है लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी, इनकी आवाजों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसीलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है, क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है, क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ये कहीं और चली जाती है या फिर अपना स्वरूप बदल कर भूत बन जाती है, इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम नॉर्मल है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहां पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वो जगह है उसके आसपास का पर्यावरण या ऊर्जा हीटर के रूप में निकलती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों में शरीर को मरने के बाद जो ही छोड़ दिया जाता है उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। वो कीड़े मकौड़े, मृत शरीर खाने वाले जीव और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सर्वाइव कर जाए या फिर वो आपके शरीर में न है। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न देख सकता है न रोक सकता है। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और इसको लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए, इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली कि भूत होते नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सके।